गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3, किसी बुक में चैप्टर 4 भी हो सकता है, ये फिनिश करने जा रहे हैं, लास्ट है आज। और चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और इसमें टॉपिक जो है आप जीडीपी एंड वेलफेयर है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं आपसे, वो ये है कि आप अगर जो चीज भी पढ़ते हैं उसका लिंक बना रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम वीडियो आपको दे रहे हैं, वन बाय वन एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपको हर वीडियो को देखना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, इतनी बार में वो समझ में आती है, अच्छे से समझना चाहिए से मेरा विश्वास है कि आपको वो पूरी तरह समझ में आ जाएगी। और अगर आप हर वीडियो को देखना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल इजी लगेगा, यानी कि हार्ड बिल्कुल नहीं लगेगा। और ये सब करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास वन बाय वन वीडियो आती रहेंगी और आप देखते रहेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं हम आज के चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी और वेलफेयर ये दो शब्द हैं। जीडीपी आप जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि किसी कंट्री की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है सकल घरेलू आय, यानी कि जो भी इनकम है। और वेलफेयर का मतलब होता है कि कल्याण, यानी कि पब्लिक वेलफेयर, यानी समाज कल्याण, या इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण, यानी कि जिसमें भलाई से रिलेटेड। अब ये जीडीपी और वेलफेयर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर ये जनरली हम बात करें तो दोनों का एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन होता है, सीधा संबंध होता है। दोनों का एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन का मतलब, या सीधा संबंध का मतलब आप जानते होंगे कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, और एक चीज घटती है तो दूसरी चीज भी घटती है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी बढ़ती है तो उसका वेलफेयर भी बढ़ता है, और अगर जीडीपी कम होती है तो उसका वेलफेयर भी कम होता है। वेलफेयर का मतलब यहां पर है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, यानी कि प्रति व्यक्ति वस्तु और सेवाओं की जो भी उपलब्धता, वो यहां वेलफेयर से रिलेटेड है। अब यहां समझ लेते हैं स्टेप स्टेप कैसे है जीडीपी एंड वेलफेयर। फर्स्ट पॉइंट है, जीडीपी इज ऑफन कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। जीडीपी प्रायः एक पब्लिक वेलफेयर का सूचक माना जाता है, इंडेक्स माना जाता है। पब्लिक वेलफेयर का मतलब है समाज कल्याण, तो समाज कल्याण का सूचक माना जाता है, यानी कि जीडीपी अगर अच्छा है तो समाज कल्याण ज्यादा होगा। दूसरी बात, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। और जो ये वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है उसे कैसे मापा जाता है, उसे मापा जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन के रूप में, यानी कि प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता के रूप में उसे मापा जाता है, किसको, वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब भी समझ गए, जीडीपी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि हायर जीडीपी इज जनरली टेकन एज ग्रेटर वेलफेयर ऑफ पीपल। हायर जीडीपी, जिस कंट्री की जीडीपी ज्यादा होगी उसका वेलफेयर भी ज्यादा होगा।
जनरली, यानी कि जनरली सामान्यतया हमने ये बात हम मान के चलते हैं। कुछ न कुछ इसमें लिमिटेशंस भी होती है, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम जनरली हम क्या मान के चलते हैं कि अगर जीडीपी किसी भी कंट्री का ज्यादा है तो वहां का पब्लिक वेलफेयर भी या इकोनॉमिक वेलफेयर भी ज्यादा होगा। हाउएवर दिस जनरलाइजेशन मे नॉट बी करेक्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। लेकिन जबकि कुछ ये जनरलाइजेशन का मतलब है, ये जो हमारी जो हम ये मान के चलते हैं जनरली जो सामान्यतया हम जो चीजें मान के चलते हैं ये इनकरेक्ट हो जाती है। किस वजह से? ये जो नीचे रीजंस लिखे इनकी वजह से ये कभी कभी, यानी कि कभी जो है ये इनकरेक्ट भी हो जाती है, मतलब गलत भी साबित हो जाती है। कि हम ये हमेशा मतलब ये ही नहीं कहेंगे कि हाँ जीडीपी बढ़ गया तो वेलफेयर भी बढ़ गया, ये क्यों नहीं कहेंगे, उसके रीजन क्या है, कब नहीं कहेंगे, इसके रीजन हमने वन बाय वन आपको समझाते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारी सोसाइटी में अगर इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, तो जीडीपी बढ़ने के साथ पब्लिक वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। एग्जांपल समझ लीजिए थोड़ा, अगर रिच पर्सन और ज्यादा रिच हो जाए, गरीब और ज्यादा गरीब हो गया, तो समाज कल्याण नहीं बढ़ सकता। वस्तुएं प्रोडक्शन तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो प्रति व्यक्ति यानी कि हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उनके पास उसे परचेज करने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी बात कि अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इनकम रिच पर्सन की ज्यादा है, अमीर लोगों की इनकम ज्यादा है, और वो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स ऐसी मशीनें खरीद लेते हैं जिनसे कि बिना लेबर लगाए कि काम हो सकता है, तो वहां क्या होगा कि जीडीपी तो बढ़ेगा, वर्क होगा, प्रोडक्शन होगा, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को मजदूरी नहीं मिलेगी, जिससे कि वो अपनी चीजों को जो जरूरत की चीजें हैं वो उन्हें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, तो क्या होगा कि जीडीपी बढ़ने के साथ वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। पहला रीजन देखिए, समझ लीजिए दोबारा से, इफ जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज राइजिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल मे नॉट इंक्रीजिंग मे नॉट नेसेसरीली राइज, यानी कि जरूरी नहीं है कि वेलफेयर बढ़ जाए जीडीपी के बढ़ने के साथ। क्यों नहीं है, कारण क्या है? कारण है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनइक्वल। अगर जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल हो रहा है, बढ़ता मतलब अनइक्वल तरीके से बढ़ रहा है, असमान तरीके से बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये नहीं कह पाएंगे कि जीडीपी बढ़ने के साथ पब्लिक वेलफेयर या इकोनॉमिक वेलफेयर भी किसी कंट्री का बढ़ेगा। दूसरी बात, कंपोजिशन ऑफ आउटपुट। कंपोजिशन आप समझते हैं, आउटपुट समझते हैं, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, कंपोजिशन का मतलब होता है उस प्रोडक्शन में हम क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कंपोजिशन होता है किसी चीज का। जैसे आपने कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, व्यापार में क्या क्या चीजें हम शामिल कर रहे हैं, इसी तरह से कंपोजिशन ऑफ आउटपुट का मतलब है उस प्रोडक्शन में हम क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर कंपोजिशन ऑफ आउटपुट, अब एक बात ध्यान रखनी है, जीडीपी जब भी हम मेजर करते हैं तो वहां पर हमें कंपोजिशन ऑफ आउटपुट पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, हमें तो ये होता है कि कितना हमारा प्रोडक्शन हो गया, उसकी प्राइस कितनी आ गई, उसको मल्टीप्लाई करके हम अपने देश की इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां समझ लीजिए कि जीडीपी शोज द टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ वो हम जीडीपी हमेशा वो शो करता है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इट्स कंपोजिशन, ये इसके कंपोजिशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता कि हमने क्या क्या प्रोड्यूस किया। तो यहां मतलब ये है कि अगर हम वो चीजें प्रोड्यूस करने लगे जो
जनता के हित में नहीं है या इकोनॉमिक वेलफेयर में नहीं आती है, तो हमारा जीडीपी तो बढ़ेगा लेकिन हमारा समाज कल्याण नहीं होगा। कैसे? कि इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स, अगर हम वॉर गुड्स का मतलब है जो लड़ाई झगड़े में काम आने वाली चीजें हैं, पिस्टल है, गन है, ये सब चीजें, उनका प्रोडक्शन ज्यादा कर दें, उनका प्रोडक्शन ज्यादा कर दें हम, या सोशली हार्मफुल गुड्स या समाज में जो खराब हार्मफुल उनके लिए नुकसानदायक वस्तुएं हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, लाइक लिक्योर, टोबैको, सिगरेट्स एक्सेट्रा, जैसे कि शराब है, तंबाकू है, सिगरेट है, इनका प्रोडक्शन हम बढ़ा दें, किसके इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स के बजाय इनका प्रोडक्शन बढ़ा दें, वॉर गुड्स ज्यादा बनाने लगे या हार्मफुल गुड्स ज्यादा बनाने लगे, तो क्या होगा? कैन नॉट इंक्रीज सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये सोशल या इकोनॉमिक दोनों, समाज कल्याण हो या आर्थिक कल्याण हो, दोनों को, यानी कि कोई भी वेलफेयर ये बढ़ा नहीं सकते, यानी कि बढ़ने का नहीं है, क्योंकि ये गुड्स जो है वो केवल नुकसान दे सकते हैं और इनसे समाज का जो जरूरतमंद है उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। अब थर्ड पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, यानी कि ऐसे एक्सचेंजेस जिनमें मनी का लेन देन नहीं होता, पैसे का लेन देन नहीं होता, उसे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कहते हैं। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिनमें पैसे का लेन देन नहीं होता, तो इनकी मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जीडीपी का एस्टिमेशन नहीं हो पाता, लेकिन वो चीजें हमें, यानी कि हमारी इकोनॉमी में गुड और बैड दोनों इफेक्ट डालती हैं। तो अब यहां देखिए, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, मेनी एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो मॉनेटरी टर्म में इवेल्युएट नहीं हो पाती हैं। और फॉर एग्जांपल, जैसे कि नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस लाइक सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, हाउसवाइफ की सर्विसेज जिसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं आ सकते, और जैसे किचन गार्डनिंग है, कोई अपने घर के आगे कोई गार्डन बनाता है, उसमें कुछ फल सब्जियां वगैरह लगाता है, उसकी भी कोई एस्टिमेशन नहीं है, लेकिन उसको सुविधाएं मिल रही होती हैं, पब्लिक वेलफेयर हो रहा होता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं हो पाती है, पैसे की वैल्यू उसकी नहीं लगा पाते हैं। या टीचिंग हिज ओन सन बाय अ टीचर, कोई टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है खुद, तो उसकी कोई फीस नहीं लगती, लेकिन उसका बच्चा पढ़ रहा होता है, यानी सीख रहा होता है, तो टीचिंग टीचर के द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना, इस तरह की एक्टिविटीज जिसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं होती हैं, तो ये सब भी क्या है कि इनसे, इन सब से पब्लिक वेलफेयर या इकोनॉमिक वेलफेयर होता है। हाउएवर सच एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक वेलफेयर, इनसे इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो प्रभावित होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि करता तो कोई है और फायदा कोई दूसरा लेता है या नुकसान किसी दूसरे को होता है, तो इन्हें एक्सटर्नलिटीज कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से समझ लें। एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू गुड एंड बैड इंपैक्ट, ये दोनों तरह की होती है, गुड और बैड। तो एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। किसी भी काम के लिए बिना किसी प्राइस दिए या किसी पेनल्टी, कोई दंड दिए,
ना तो उसके लिए कोई प्राइस दी जाती है अच्छे के लिए, और ना बेकार गलत काम करने के लिए कोई, गलत फायदे के लिए कोई दंड दिया जाता है। लेकिन वो सुविधाएं गलत या मतलब सही या गलत दोनों तरह की एक्टिविटीज होती हैं और उनको पब्लिक को एक्सेप्ट करना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ सकते हैं आप, दे आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जैसे समझ सकते हैं आप एग्जांपल से कि पॉजिटिव में क्या है, मिस्टर एक्स मेंटेन्स अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड मिस्टर वाई एंजॉय इट। क्या है कि कोई मिस्टर एक्स है, कोई भी नाम लगा दीजिए, वो अपने घर के आगे बहुत सुंदर गार्डन बनाता है, बट जो वाई है उसका पड़ोसी है वो उसका आनंद लेता है, अच्छे से फूल होते हैं तो उनकी खुशबू उसके घर तक ही पहुंचती है, अच्छा सा गार्डन होता है, उसमें पेड़ लगे होते हैं, उसे ऑक्सीजन भी, ताजी ताजी ऑक्सीजन, सब हवाएं, मतलब सब चीजें उसको उसको अवेलेबल हो पाती हैं वाई को। लेकिन उसके बदले में ही डज नॉट, क्या है कि वो उसके लिए पेमेंट नहीं करता, उस तरह किसी तरह का उसको पेमेंट नहीं करता, कहने का मतलब उसका मूल्य को ही नहीं चुकाता, लेकिन फिर भी उसको सब मिलती है। इट एड्स टू वेलफेयर ऑफ मिस्टर वाई, तो मिस्टर वाई का जो वेलफेयर है उसका कल्याण, यानी कि अच्छा उसके लिए अच्छा हो रहा है, यानी कि वेलफेयर उसका हो रहा है, और बट ही डज नॉट पे फॉर इट, लेकिन उसके लिए वो कोई मूल्य नहीं चुकाता है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, तो जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्री में जब प्रोडक्शन होता है तो उससे धुआं वगैरह निकलता है या गंदा पानी निकलता है, जो भी है उससे एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है हमारा। तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो भी है वो एक बैड एक्सटर्नलिटीज है। सच पॉल्यूशन रिड्यूस द वेलफेयर थ्रू द नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ, वो जनता की हेल्थ पर यानी स्वास्थ्य पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, उससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, लेकिन उसका कोई दंड, किसी तरह का कोई पेनल्टी किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री को नहीं देनी होती है, और बिल्कुल वो वहां की जो भी आसपास की जो पॉपुलेशन है उसको उसे झेलना होता है। जीडीपी फेल्स अकाउंट फॉर दैट टाइप ऑफ इंपैक्ट्स, तो जीडीपी में इस तरह के इंपैक्ट्स को काउंट करने का कोई तरीका नहीं है, तो जीडीपी में इस तरह की कोई भी ये एस्टिमेशन, इस तरह का कोई भी इसकी वैल्यू यानी इसकी मार्केट वैल्यू कोई भी उसमें एस्टिमेट नहीं की जाती है। तो इसलिए हम पढ़ रहे थे जीडीपी और वेलफेयर में रिलेशंस, तो हम ये नहीं कह सकते कि जीडीपी बढ़ने के साथ वेलफेयर बढ़ेगा या जीडीपी घटने के साथ वेलफेयर घटेगा, तो क्यों नहीं कह सकते, उसके रीजंस हम ये पढ़ रहे हैं। इस तरह की कुछ रीजंस होते हैं जिनको हम बिल्कुल एग्जैक्ट ये कह सकते कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगला एक लास्ट पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कि जीडीपी डज नॉट कंसीडर द पॉपुलेशन ग्रोथ, जीडीपी में पॉपुलेशन का कोई जिक्र नहीं होता, पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, जीडीपी तो ये देखता है, जीडीपी में ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज हमारे यहां कितनी प्रोड्यूस की गई पूरे अकाउंटिंग ईयर में, तो वहां पॉपुलेशन का। अब अगर जीडीपी हमारा 1% बढ़ा और पॉपुलेशन हमारी 10% बढ़ गई या 5% बढ़ गई, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यानी प्रति व्यक्ति गुड्स एंड सर्विसेज की उपलब्धता वो कम हो जाएगी, जिससे जीडीपी बढ़ने के बाद भी क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर कम होगा। ये बात समझनी है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, जीडीपी डज नॉट कंसीडर द पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ को कोई विचार नहीं किया जाता उस पर। इफ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द रेट ऑफ द जीडीपी ग्रोथ, अगर जीडीपी ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होता है, तो देन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस्ड, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी का मतलब प्रति व्यक्ति, पर पर्सन, प्रति व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है उसमें कमी आएगी, जो पब्लिक वेलफेयर को कम करेगी।